हाय गाइस, वेलकम टू आओ बातें करें, पूजा हियर। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड यू कैन राइट इन योर क्वेश्चन इफ़ यू ऑल आर सब्सक्राइबर्स। एक दूसरा, मुझे आपकी एज चाहिए। अगर आपके बच्चों का क्वेश्चन है वो भी 18 से ज़्यादा है तो मैं उनके क्वेश्चन लूँगी, बट मुझे एज चाहिए 35, 20। मुझे बर्थडे मत लिखिए, जन्म का टाइम मत लिखिए। मैं एस्ट्रो नहीं कर रही हूँ इस वक्त, मैं टैरो कर रही हूँ, तो मैं ना कैलकुलेट करूँगी ना मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और मनीषा, तुझे अपना एज लिखना पड़ेगा, सिटी कंट्री लिखना पड़ेगा। अगर आपका पार्ट मेरा बेटा आकाश गुप्ता, बर्थ प्लेस, टाइम, सीए कब पूरा होगा, ठीक है। आई थिंक ये आप हमेशा पूछते हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ टाइम लगेगा, बट लेट्स सी। अगर आपको और सोनिया और सब लोगों के लिए यही है कि जल्दी जल्दी शेयर करो। वंस वी स्टार्ट, वी क्रॉस 500 शेयर्स, तो फिर सब लोग जो भी ज्वाइन कर रहा है उनको 2 कार्ड रीडिंग मिलेगी। और शेयर करने तक भी किसी किसी को मैं रैंडमली अभी 2 कार्ड रीडिंग लेने वाली, जो मैक्सिमम शेयर कर रहा है मेरी लिस्ट में उनके नाम आने लगेंगे, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग 2 कार्ड रीडिंग बीच में भी, ठीक है। और 500 शेयरर के बाद सबको 2 कार्ड रीडिंग मिलेगी, तो स्टार्ट शेयरिंग फटाफट। ऑल्सो अगर आपको लाइन में नहीं खड़ा होना है, अगर आपको 5 कार्ड की रीडिंग चाहिए तो आप 200 स्टार्स में आपको मिल सकता है एक, जैसे कि YouTube पे मेरे साथ लोग लेते हैं, यू कैन। और अगर आप इंडिया से हैं, दिस इज ओनली फॉर इंडिया, स्टार्स तो आप दुनिया से कहीं भी दे सकते हैं। अगर आप इंडिया से और आपको क्वेश्चन ज़रूरी है और आपको एक 12 कार्ड की रीडिंग चाहिए यही लाइव पे, तो आप ये नंबर, इंडिया नंबर स्कैन कीजिए और 555 रुपीज़ में आप जाके देख सकते हैं। मैंने YouTube पे भी अभी एक किया है 555 की रीडिंग। आप लाइव जाइए, ज्वाइन कीजिए, देखिए। अभी 5 मिनट पहले मेरा लाइव खत्म हुआ है कि 12 कार्ड की रीडिंग होती कैसी है। तो अगर आपका सिचुएशन इंपॉर्टेंट है कि भैया वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या मुझे मैम प्यार करता है, क्या मेरे बारे में सोचता है, डज ही लव मी, डज ही मिस मी, तो ये 1 कार्ड 2 कार्ड में नहीं होता है। सो दिस इज 12 कार्ड, तो आपका रिलेशनशिप का जो भी खचपच है वो सारा आपको क्लियर उसमें हो जाएगा। और अगर आपको सीरियस है अपने बारे में, देन यू शुड स्पेंड फॉर अ बिगर कार्ड रीडिंग। अगर आप सीरियस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कि जैसे कि देखो हम ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ होती है तो उसका प्राइसिंग ज़्यादा होता है। तो आपकी मर्जी है कि आपको कुछ प्रीमियम चाहिए, क्या बेसिक में भी चल जाएगा, ओके। सो दैट इज एंटायरली अबाउट अपॉन यू। और सेकंड क्वेश्चन किसी को भी नहीं मिलेगा, तो अगर एक क्वेश्चन के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज 200 स्टार्स, तो सेकंड क्वेश्चन भी मिल जाएगा प्लस एक 5 कार्ड रीडिंग उसी क्वेश्चन पे मिलेगी, ओके। सो नाउ लेट मी स्टार्ट। जिस दिन के पास शेयरर टैग है, मुझे मत बोलिएगा कि मैंने शेयर कर दिया, शेयर कर दिया। जब तक आपके पास शेयरर टैग नहीं आएगा मैं आपके क्वेश्चन लूंगी नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है शेयर कर दिया, बट यू हैव टू हैव अ शेयरर टैग। रिया, केक और चॉकलेट का बिजनेस सूटेबल रहेगा? चलो रिया, लेट्स सी। केक और चॉकलेट का बिजनेस रिया के लिए सूटेबल रहेगा? इस वक्त नहीं, मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, मे बी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है, मे बी आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत है। इस वक्त दिस इज नॉट अ वेरी सूटेबल बिजनेस फॉर यू। सुष्मिता, जनरल रीडिंग कोलकाता, सुष्मिता के लिए जनरल रीडिंग। सुष्मिता, या तो तेरे लाइफ में कोई है तेरा पार्टनर, दिस कैन बी योर बिजनेस पार्टनर, दिस कैन बी योर पर्सनल पार्टनर, या तेरे लाइफ में कोई आने वाला है, फॉर सो देर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, देर इज सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप विच इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ वेरी सून, ओके। नेक्स्ट, रितु अरोड़ा, 40 ग्वालियर, वीनस स्कूल से कॉल आएगा जॉब के लिए? लेट्स सी, येस नो क्वेश्चन है ये तेरा। रितु अरोड़ा, तू मेरे अभी यूट्यूब पे थी क्या? यू आर द सेम रितु अरोड़ा, वीनस स्कूल से जॉब आएगा, कॉल आएगा? नहीं, चांस 90% नहीं है, 10% हो भी सकता है, क्योंकि इतने 1 कार्ड में 90% ही मानो तुम। मैरिज कब तक होगी बेटी? इश्विन कौर की मैरिज कब तक होगी आपकी बेटी इश्विन कौर की? सोम प्रकाश, अपनी उम्र लिखो, बर्थ डेट मत लिखो। कौर की शादी कब तक होगी?
चलो ये आया, अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक सवा साल के अंदर या एक सवा साल लग सकता है, ठीक है। हेलो मैम, जय माता दी, जय माता दी मेरी जान। अपना एज लिखो रश्मि, पहले तो तुम्हें अपनी उम्र लिखनी है और शेयर टैग आना चाहिए। हस्बैंड लेने आएंगे क्या? गीता के हस्बैंड जल्द ही लेने आएंगे क्या? यस, ठीक है। सोम प्रकाश, गवर्नमेंट जॉब कब होगी? सोम प्रकाश दास की गवर्नमेंट जॉब कब होगी? लेट्स सी, अभी वक्त लगेगा, समय लगेगा, अभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की जल्दी जल्दी नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा। समथिंग समथिंग, सरबजीत कौर की बहन जीत अप्रैल में, बहन जीत अप्रैल में पैसे देगी। नेक्स्ट टाइम अपनी उम्र लिखो, जीत अप्रैल में पैसे देगी। यस, अभी पूरे देगी, आधे देगी, 1/4 देगी, 10% देगी, वो तुम ही जाने। पायल, आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट माई डॉटर ऑफ स्कूल एडमिशन CBSE। मेरी जान, आई डोंट टेक चिल्ड्रेंस क्वेश्चन हु आर लेस देन 18, ठीक है। तो आप अपने लिए एक जनरल भी पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन फ्रॉम प्रेगनेंट लेडीज, नो क्वेश्चन फॉर किड्स लेस देन 18। तो आप अपने लिए जो पूछना है पूछिए, अपने हस्बैंड के लिए पूछिए, आपका शेयर टैग आ गया है। ओके, एवरीबॉडी स्टार्ट शेयरिंग। अच्छा, दूसरा, अगर आपको और चांस चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय FB, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ठीक है। तो वेडनेसडे को कोई लाइव नहीं होंगे FB पे भी, और सैटरडे संडे नहीं होंगे। सैटरडे को शायद इंस्टाग्राम लाइव होगा पर FB पे नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्टली चेंज हो सकता है, जब भी मैं लाइव जाऊंगी मैं आपको सुबह बताऊंगी। मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ, आई डोंट डू लाइव एटलीस्ट 3 times a week। That time is for my personal clients. आज भी personal clients हैं पर मैं उनको रात में लूंगी, ठीक है। But कुछ दिन में बिल्कुल lives नहीं आती हूँ, तो fully those days slots दिया जाता है मेरे personal clients को। Okay guys, स्वप्ना तुम्हें share करना है, हेतल को share करना है। Also guys, 3 card reading मैंने शुरू किया है YouTube पे। वो आपको कैसे मिल सकता है? आप एक तो YouTube join कीजिए, community tab आपको बताएगा। और YouTube पे एवरी डे मेरे अभी मॉर्निंग में म्यूजिक लाइव्स शुरू हो गए हैं, उसमें लाइव्स में आपको ज्वाइन करना है। लाइक शेयर के बाद अपना क्वेश्चन लिखना है, तो और 3-4-5 घंटे के लाइव्स होते हैं, और उस लाइव में मैं उसी वक्त विनर डिक्लेयर करती जाऊंगी। आधे पौने घंटे में आई गो एंड चेक दोज लाइव्स। तो आपको या तो आप उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, बट अपने चांसेस बढ़ाइए ताकि आपको 3 card reading मिले इंस्टेड ऑफ 1। हाय मैम, हाय डिम्पल, शेयर टैग आ गया, क्वेश्चन दे। जनरल रीडिंग एज 36 फ्रॉम मुंबई। ओके, पायल का जनरल रीडिंग एज 36। पायल, तुझे थोड़ा रिलैक्स और रेस्ट करने की जरूरत है। तू बहुत हाइपर हुई हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, तो कुछ कुछ ना, यू हैव टू रिलैक्स। और तुम्हें जो पसंद है वो चीजें थोड़ा थोड़ा तुम करो। थोड़ा तुम्हें नींद पे भी अपने ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज मून इज ऑल्सो हैव टू डू विथ योर रेस्ट, योर इनर हैप्पीनेस। तो तुम्हें अपने लिए थोड़ा टाइम फॉर सेल्फ लव, सेल्फ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ तुम्हें देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, एंड पायल, तेरा लकी कलर इज डार्क ग्रीन। तो गाइज, मैं अभी सबको साथ साथ मुझे याद दिलाना, 2-3 के बाद में साथ में लकी कलर दूंगी। लकी कलर में ये कलर आपका लकी रखिए, अपना ही कोई दुपट्टा, ड्रेस, साड़ी, टी शर्ट, कुछ भी इसी कलर का आपको लेके अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। और जब तक कि आप नया कोई मुझसे नेक्स्ट लाइफ पे आके नया लकी कलर नहीं ले लेते। ओके डिम्पल, नेक्स्ट टाइम अपना वो लिखना, एज बदेत मत दो। डिम्पल कुंदू को, सौमिक देवनत क्या प्यार करता है? तो आपका यस नो क्वेश्चन है। दीप माला को सौमिक प्यार करता है, शुक्र है भाई, यस। और आप में से किसको एक सेकंड कार्ड रीडिंग चाहिए मुझे जल्दी जल्दी बता दो, मैं तरीका बता देती हूँ। हेलो मैम, माता दी मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? शेयर टैग नहीं आया मेरी जान। नेक्स्ट पर्सन विद अ शेयर टैग, दीपमाला हो गया।
पायल हो गया, समथिंग समथिंग समथिंग, फरहान, मैम आई शेड, नहीं मेरी जान, टैग तो आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, बाहर जाओ और 2 मिनट बाद वापस अंदर आओ, मैम मुझे चाहिए। ठीक है, जिसको भी सेकंड कार्ड रीडिंग चाहिए वो भी, सॉरी सेकंड क्वेश्चन रीडिंग चाहिए वो भी 5 कार्ड में, वहाँ स्टार्स है, 200 स्टार्स दीजिए, 200 रुपये नहीं होते, उससे कम है, 80-90 रुपीज़ है, यू विल गेट अ सेकेंड क्वेश्चन, बट 5 कार्ड में मिलेगा। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, आप 5 कार्ड में देखिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मनीषा, मेरे कॉलीग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मनीषा आई वुड से कि आप एक कार्ड में आपको नहीं समझेगा, लेट डू अ 5 कार्ड रीडिंग 200 स्टार्स में, या 5, इंडिया से है तो बहुत आप लकी है, 555 रुपये में आप 12 कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, पर यही मिलेगा। आरती को भी मैं एडवाइस करूंगी, पर आपकी मर्जी है, पर शेयर अटैक किसी का भी नहीं आया है, तो आपका 1 कार्ड वाला है, इट्स ऑल विद शेयर अटैक, सो गाइस स्टार्ट शेयरिंग, आई गिव यू 2 मिनट्स। और इंस्टाग्राम पे परसों मेरा नहीं, कल ही मेरा चैट हुआ था, जाके जरूर देखिए, इट वाज फेस टू फेस चैट, इट वाज अ वेरी कैजुअल चैट, अलग अलग टॉपिक पे कि लास्ट ईयर आप लोग ने क्या क्या किया है, टॉक्सिक लोगों से कैसे दूर रहें, एक्स को कैसे बुलाएं, तो ऐसी चीज़ें जहाँ यार हमें हमेशा 10 चीज़ें दिमाग में रहती हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि किससे पूछें या किससे बात करें और इस पे इसको कैसे डील करें, तो ये बहुत ही इनफॉर्मल और ब्यूटीफुल चैट था जो 2 पार्ट्स में है, तो जाके ज़रूर देखिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, और इंस्टा यूट्यूब FB तीनों जगह फॉलो कीजिए, तीनों जगह मेरा सेम नेम है, आओ बातें करें। जिसका नहीं आ रहा है उनको बाहर आना पड़ेगा, किसी और हैंडल से ट्राई करो, बट आई एम गुड आरती, आई थिंक यू आर ऑन माई दिस ऑल्सो, यूट्यूब पे भी हो, ये नाम सुना सर मैंने, मेरे को तो एक्चुअली कभी कभी सारे नाम सुने सुने लगते हैं, कभी सारे अनजान लगते हैं, बिकॉज मैं 100-200 नाम दिन में सुनती हूँ। जिस जिसका शेयर अटैक नहीं आ रहा है बाहर आ जाओ और 2 मिनट बाद वापस अंदर आओ और शेयर करो, तब शेयर आ जाए। तब तक मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। ओके, इसका आ गया हरवीर, मैं बाहर कब तक जाऊंगी। हरविंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपनी उम्र लिखना है, एंड बाहर बाय बाहर यू मीन आउट ऑफ इंडिया, तो लेट अस सी। ओडिशा का भी, ओइशी का भी आ गया है। प्रणव मना के मन में तानिया मंडल के लिए लव फीलिंग है क्या, क्या सोचता है, तो यस और नो लेंगे हम कि वो आपके प्रणव के मन में तानिया मंडल के लिए लव फीलिंग है क्या। Let's take a yes or no card. इस वक्त नो है, तो भी आप सेकेंड क्वेश्चन चाहते हैं अगर 5 रीडिंग के साथ, तो 200 स्टार से मैं आपकी कर दूंगी, तो उसमें 5 कार्ड में हम देखेंगे उनका फीलिंग क्या है। ओके नेक्स्ट, किसका शेयर अटैक था। आरती बाहर जाके अंदर आ, देर इज नो अदर ऑप्शन आई हैव, या किसी और के हैंडल से ट्राई करो, मैं बाहर कब तक जाऊंगी। हरविंदर आई होप तेरा वही क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ इंडिया कब जाएगी। एज लिखना है मेरी जान, एज 35-25, डोंट गिव मी बर्थ डेट्स। नेवा का आ गया है, नेवा गिव मी योर क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी,
give me your age and your complete question. What do you want? It will be a one card reading. But if you want a detailed five card reading, it is 200 stars. Harbinder Kaur, out of India kab jayegi? परफेक्ट टाइमिंग, मतलब अभी तुम्हारा बाहर जाने का टाइम नहीं है, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज नॉट द टाइम कि आज कल इधर ही. सो नेवा, यू कैन गिव मी अ क्वेश्चन. यू हैव गॉट अ शेयर टैग. कुड यू टेल मी व्हाट स्टीव्स करंट फीलिंग फॉर मी इंग्लिश प्लीज. ओके, सो यू हैव गॉट अ वन कार्ड रीडिंग. सो लेट्स सी व्हाट द स्टीव्स करंट फीलिंग फॉर किम. I see, do you, are you all in no contact or is there a fight? I see some feeling of feeling bad, having broken something. It can be a relationship, having broken off with you. So this is a feeling of feeling sad. Okay. So if you want a detailed reading on this, it will be 200 stars with only 500, only 5 card. Detail is a 5 card, not more. If it's a 500 stars, then it will be a 12 card reading. जफर हुसैन, करंट फीलिंग फॉर मी मुंबई. सोनू के लिए जफर हुसैन की करंट फीलिंग. आपके बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ खटपट हुआ है, तो उसको ऐसे लगता है उसको आपसे बहुत सारा डिस्कशन करना है और बहुत सारी बातें करनी है. तो जो भी आपकी झगड़ा है, मिसकम्युनिकेशन है, लास्ट टाइम जो भी आपकी खटपट हुई थी, तो उस पर उसको उसी के बारे में सोच रहा है. जो जो आपने उसको तीखी बातें बोली है, बातें कही है, तो वो उसी के बारे में सोच रहा है. तो लास्ट फाइट ऑफ योर्स. अच्छा गाइज, जिस जिसके मेरे क्वेश्चन हो गए ऑल्सो मुझे पूछ लो, मैं तुम्हें लकी कलर देती हूँ. यार मैं बिल्कुल भूल गई. सो हरविंदर, इफ यू आर देयर, दिस इज योर लकी कलर, इट इज पिंक. किम, आर यू देयर, लेट मी नो. सो जिसको, हूएवर आई एम गिविंग द लकी कलर, यू हैव टू टेक समथिंग ऑफ दिस कलर. इट शुड बी योर ओन. इट कैन बी अ टी शर्ट, इट कैन बी अ क्लॉथ, एंड पुट इट अंडर योर पिलो एंड स्लीप. इट विल बी लकी फॉर यू टिल द नेक्स्ट टाइम यू कम ऑन माई लाइव एंड टेक अनदर लकी कलर फ्रॉम मी. You are true. क्या था? अच्छा, तो कुछ, हाँ, जो तू उसको बोली है ना, वो खटपट उसके दिमाग में वही है. And guys, second question and a five card reading with stars only. Okay, next, इसका नाम क्या है? सोनू, सोनू नहीं, सोनिया. तेरे, तू है तो तेरे लकी कलर मांग ले, मैं दे देती हूँ तेरे को मैं. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मीनल का आ गया टैग. मीनल साइनी, मैम मैंने कहीं जॉब अप्लाई किया, क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, मीनल ने जहाँ जॉब, नीरज साइनी ने जहाँ जॉब अप्लाई किया है, वहाँ से उसको क्या यस आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, यस और नो? ठीक है, लेट्स सी. जो अभी आपने एप्लीकेशन ऑफ जॉब दिया है, आपका रिजल्ट क्या आएगा? यस, इट इज 90% चांसेस ऑफ येस. मैं बोलती जो मेरा वन कार्ड ही रीडिंग अगर आप ले रहे हो तो 90% येस पकड़ो, 10% नो हो सकता है. ओके, हाय डॉली. तो और तेरा नाम क्या है? मीनल, तेरे लिए लकी कलर ऑरेंज है. तो जैसे मैं समझा चुकी हूँ क्या करना है. ओके, डॉली के लिए जनरल रीडिंग. डॉली, तेरे को ना इस वक्त बहुत खटपट है, या तो तेरा ब्रेकअप है तेरे एक्स के साथ, या तो तेरी घर वालों में खटपट है. तो ऐसी कोई चीज़ है इस वक्त, फेज और स्टेज तेरे लाइफ का ऐसा है कि तू बहुत परेशान है, बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत कहासुनी चल रही है. तो दिस इज लाइक ना परेशानी वाला स्टेज है, दुख वाला स्टेज है, या सबके लाइफ में आता है. सो होपफुली तेरा ये टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाए. तेरे लिए लकी कलर है वाइट. मैं सबको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसको नहीं पता लकी कलर के क्या साथ क्या करना है, जो एकदम नया आया है वो मुझे पूछ सकता है. बट इन जनरल एवरीबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग. अमी क्वेश्चन लिख, तेरा शेयर टैग आना चाहिए. ओके, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, दिस इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, थैंक यू मैट. ए भगवान यार, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वालों को ना तुम ज़्यादा टेंशन मत लो. मैं कभी नहीं किसी को बोलूँगी आए मेरे को सपनों में तुम आए और रीडिंग देना चाहती हूँ, ये सब कब, कोई नहीं. जो एनीबडी हु इज अ गुड टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजर विल नेवर डीएम यू एंड से कि मेरे मन में ये स्ट्रांग फीलिंग आई कि मैं आपके लिए पत्ते देखूँ तो आप इतने पैसे दीजिए. दिस इज ऑल रबिश. तो इसमें फंसो नहीं फंसो, वो आप लोगों का थॉट प्रोसेस है. हाँ, लवली भरद्वाज, माई वाइफ कुलजीत कौर की करंट फीलिंग. लवली, अगली टाइम अपना एज लिखना. कुलजीत कौर की करंट फीलिंग फॉर लवली.
आई सी लव, तो या तो आपकी बात होने लग गई है या तो आपका कोई ऐसी जगह पे सिचुएशन है, थोड़ा क्लैरिटी हो गया है, तो उनके लाइफ में देर इज आपके लिए वापस अफेक्शन है, देर इज लव, कुछ तो भी आपका क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज या कुछ बात हुई है, कोई तो सिचुएशन आपके लाइफ में चेंज हुआ है, या उनके लाइफ में ऐसा कोई है कि उनको एक पैशन मिल गया अपने जॉब में, अपने करियर में, देर इज सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट शी हैज फाउंड. ओके नेक्स्ट, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज क्वेश्चन विदाउट अ शेयर टैग मेरी जान, सॉल्यूशन इसका तुम्हें निकालना पड़ेगा. मैं शेयर टैग आएगा मैं क्वेश्चन ले लूंगी, अभी मैं हर बंदे को मैं समझाने लगूं तो नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शंस तुम लोग ढूंढो और मुझे बताओ. और जिसका शेयर टैग नहीं आ रहा है तो भी उनको एक रीडिंग चाहिए तो 200 स्टार्स में आपको रीडिंग मिल जाएगी, बट 5 कार्ड रीडिंग मिल जाएगी, तो वैसा भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ट्राई करें और शेयर टैग आ ही नहीं रहा है. नहीं तो क्योंकि मैं 200 स्टार्स के बाद भी शेयर टैग इंसिस्ट करती हूँ, बट अगर आप जेन्युइनली चाह रहे हो कि नहीं यार मैं बहुत कर चुकी हूँ मैम, तो यू कैन गिव 200 स्टार्स एंड टेक अ 5 कार्ड रीडिंग, उससे कम का मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, दैट्स जस्ट अ थैंक यू, वो आपकी मर्जी. ओके उदय विनीता के से शादी करेगा या किसी और के बारे में सोचता है, एक ही क्वेश्चन होगा तो वो आपसे शादी करेगा कि नहीं. विनीता लेट्स सी, उदय विनीता से शादी करेगा, यस ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन या तो आप स्टार से ले सकते हैं या मेरे नेक्स्ट लाइव पे आ जाइए, FB, इंस्टा एंड यूट्यूब. नैन्सी यू हैव टू हैव अ शेयर टैग, और कौन है शेयर टैग के साथ, नो कॉन्टैक्ट है मैम, नो कॉन्टैक्ट है, पर आपकी बात हुई है क्या, या तो आपका बात हुआ है या कोई सिचुएशन, या मैं दूसरा बात भी बोल रही हूँ उनके लाइफ में ना कोई पैशन उनको मिल गया, ठीक है. तो अगर आपका डिवोर्स है तो मे बी शी इज गॉट समबडी एल्स इन अ लाइफ, और अगर डिवोर्स नहीं है आपका कॉम्प्लिकेटेड है तो उनको कुछ कुछ खुश होने का कुछ जरिया उनको लाइफ में मिल गया जो अच्छी बात है, या आपसे कॉम्प्रोमाइज हुआ है. अभी मुझे इतने सारे ऑप्शंस कितने हो सकते हैं ना लाइफ में, ऑप्शन में सारे तो भी नहीं बता सकती हूँ, बट इन जनरल. नैन्सी हाँ योर शेयरर आ गया, जनरल रीडिंग फॉर फैंसी, फैंसी तेरे इन योर लाइफ देर इज अ टावर मोमेंट, तो ये कोई तो भी ब्रेकअप हुआ है, समथिंग हैज ब्रोकन इन योर लाइफ, ये तुम्हारा जॉब अचानक छूट गया होगा, या तुम्हारा एक्स है उससे ब्रेकअप हुआ है, या किसी से तुम्हारा ना जैसे घर बदलना है, समथिंग जो तुम्हारे लाइफ में हुआ है जो तुम्हारी लाइफ को ना झटका हुआ, जब टावर मोमेंट आता है ना एक झटका लगता है धड़ाम करके, तो वैसा कुछ तुम्हारे लाइफ में हुआ है, बट तुम इससे भी निकल जाओगी आगे. सो तेरे लिए नैन्सी फॉर यू लकी कलर इज ऑरेंज. साइमा का भी आ गया, लाइफ पार्टनर कैसा होगा मैम, मुझे पसंद आएगा, अभी मैं बता देती हूँ कैसा होगा, अभी देख तुझे पसंद आता है कि नहीं. ये देख लाइफ पार्टनर, अभी कैसे समझाऊं, विल बी थोड़ा चंट, चंट समझती है, मतलब ही विल बी अ गुड पर्सन बट ही विल बी, उस पर तू पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाएगी क्योंकि समथिंग उसके बैकग्राउंड में दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है. जब ये कार्ड आता ना कि एक के हाथ में एप्पल है एक के हाथ में फायर है, तो उस पर तो 100% भरोसा नहीं करेगी, तो जो 24 घंटा लगेगा कि मुझसे खुद छुपा रहा है जो सच भी हो सकता है, या ही इज हाइडिंग और झूठ बोल रहा है, तो एकदम भरोसे वाला तो नहीं होगा. हैंडसम हो सकता है, अमीर हो सकता है, पर पूरी तरह तो भरोसा नहीं कर पाएगी. वैशाली का शेयर टैग आ गया है, मैम मेरे आज एग्जाम दिया है क्या मुझे इसमें क्लियर करना का चांस है, भोपाल 34. तुमने क्या पढ़ाई की है, पेपर कैसे गया तेरा, ये वही बोले ना 24 घंटा तुझे लगेगा कि तेरे से झूठ बोल रहा है, ये वो कार्ड है. वैशाली का एग्जाम क्लियर हो जाएगा आज का, यस. और अफर्मेशन बोलना शुरू करो इस पे, आई होप पेपर अच्छे से दिया हो, और अफर्मेशन बार बार ये मत सोचो मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई तो हो जाएगा, ठीक गया है, ठीक गया है, तो अफर्मेशन बोल और राम 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 बोल, शायद बच के निकल भी जाए तू, ठीक है.
मंदिर हो आज शाम को, ऐसे एग्जाम के टाइम में सारों सारों को मंदिर के मंदिर याद आते हैं। वेलकम मेरी जान। ओके नेक्स्ट मैम, जनरल रीडिंग फॉर पलक एंड लाभदी। लाभदी कौन है? एन लाभदी, एक ही नाम है तो पलक, शेयर अटैक आना चाहिए गाइस विद शेयर अटैक, जिसका जिसका है मुझे रीसेंड करो एंड स्टार्ट शेयरिंग। पुष्पा तेरा आ गया, बट आई नीड टू गेट योर एज, अपनी उम्र लिखो 35-40 जो भी हो और फिर क्वेश्चन लिखो। खुशबू का भी आ गया, परफेक्ट रीडिंग खुशबू। जनरल रीडिंग रीडिंग रिगार्डिंग मैरिज, तो खुशबू खत्री की शादी। खुशबू आई गिव यू अ टू कार्ड, मैं बीच बीच में सिलेक्ट करूंगी, किसी किसी को दो कार्ड भी मिलेगा। सो लेट्स सी तुम्हारा शादी रिलेटेड क्या सिचुएशन है। There is some type of confusion, ठीक है? Maybe you are confused between arranged marriage and love marriage. Maybe you are confused between your ex or somebody new. तो तेरे को सबसे पहले ये confusion दूर करना पड़ेगा, और तेरी list बहुत ज़्यादा है शादी की लड़की में, तेरे को क्या क्या चाहिए ना, उसकी list दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरी जान ये list ऐसे ऐसे चलती जाएगी ना, तो तेरे को ऐसा लड़का तो मतलब रब ने शायद बनाया नहीं है, इतने list वाला लड़का। तो ये थोड़ा 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 पाइल कम करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि हर को शाहरुख और सलमान खान नहीं मिल सकते। तो थोड़ा प्रैक्टिकल लिस्ट बनाना पड़ेगा मेरी जान। देखो दो कार्ड में इतना पता चलता है, पांच में बारह में कितना पता चलेगा। दैट्स व्हाई टू कार्ड रीडिंग इज एनी डे वेरी बेनिफिशियल। ओके हाँ मैम, जनरल रीडिंग फॉर पलक एंड लाबिया आर माई डॉटर। सबसे पहले उनका एज लिखो, 18 से कम मैं उनका रीडिंग नहीं करूंगी। और दो लोगों के लिए जनरल रीडिंग नहीं हो सकता, एक क्वेश्चन में एक ही का होगा, बट दे शुड बी मोर देन 18, नहीं तो आप अपने लिए पूछ लो। ट्रू मैम, तो मेरी जान अपनी लिस्ट थोड़ी कम कर। पुष्पा बिल हुसैन कॉन्टेक्ट सनोबर। ओके और तुम में से कौन कौन मेरे YouTube पे है जल्दी जल्दी बताओ, और कौन कौन मेरे उस पे है Instagram, तीनों जगह जो है मुझे जल्दी से बताओ। ओके गीता तुम्हारा मैंने क्वेश्चन ले लिया है। विल हुसैन कॉन्टैक्ट सनोबर? पुष्पा क्या हुसैन सनोबर को कॉन्टैक्ट करेगा? यस ओके अभी कब कहाँ कल, वो कल के रीडिंग में पूछ लो। कल मैं FB पे भी होंगी और पहले मैं YouTube पे जाऊंगी। कल शायद मैं 1 बजे जाऊँ YouTube पे और 3:30 बजे FB पे आऊँ। ओके ओके हाँ जनरल रीडिंग फॉर मी अंजू। अंजू के लिए अनुजा, सॉरी अनुजा के लिए जनरल रीडिंग। लेट्स सी क्या है अनुजा, आपके लाइफ में क्या चल रहा है अनुजा। या तो आपको किसी को कुछ कहना है, आपकी किसी से लड़ाई हुई है और आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, भड़बड़ भड़बड़ में ना आपने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। या तो कोई से ससुराल वाले ने कुछ कहा है, आपके हस्बैंड ने कहा है, किसी ने आपको कुछ कहा है, और इस वक्त आपको लग रहा है मैं भड़बड़ भड़बड़ जाके ना उसको ये भी सुनाऊ वो भी सुनाऊ, तो इस वक्त आप काफी जले भुने सिचुएशन में घूम रहे हो। स्नेहल समथिंग समथिंग 43 मेरा कैसा रहेगा? मनीषा मनीष 43 बिजनेस, मनीष के लाइफ का बिजनेस 2023 में कैसा रहेगा? इधर मुझे बहुत ज्यादा मॉनेटरी जंप नहीं दिख रहा है, बट उनको अपने बिजनेस में ना थोड़ा डाइवर्शन करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि और थोड़े सारे ना प्रैक्टिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो वो चेंज से उनको जंप मिल सकता है, पर एकदम ऐसा धूम धड़ाका पैसे पैसा ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके मुझे कोई ऑपरेशन सामने में महीने में सामने के एक महीने में
मुझे कोई ऑपरेशन होगी। ये तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो भैया टेंशन लेने के लिए? आयुषी राजेश सिंह चौहान, मैम आप सबको रिप्लाई दे रहे हैं बस मुझे छोड़ के। नहीं मेरी जान, तुम्हारा शेयर टैग आ गया है। हाँ आ गया है। अभी तुम अपना उम्र दो, तुम्हारा क्वेश्चन अधूरा है। सबसे पहले अपनी उम्र लिखो और फिर क्वेश्चन लिखो। एंड विद द शेयर टैग, वेरी गुड। मैं बिना शेयर टैग वाले को रिप्लाई ही नहीं दे रही हूँ, तुम ध्यान से देखो। मेरी एज 23। क्वेश्चन क्या है आयुषी? एज 20 है तुम्हारी, पर तुम्हारा क्वेश्चन साथ में लिखो। एज कहीं, उम्र कहीं, सिटी कहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन क्या है? जनरल रीड। ठीक है आयुषी, मैं आपको एक जनरल रीड देती हूँ। आपके लाइफ में ना आपको थोड़ा मुश्किल का वक्त चल रहा है, जैसे कि ना आप कहीं पहाड़ पे चल रहे हो, तो आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर, आपको डिफिकल्टीज आ रही है, तो ये समय है कि आपको थोड़े महीने, थोड़ा टाइम ये ना मुश्किलों से चलना है। यही आपको स्ट्रांग बनाएगा और नई चीजों के लिए आपको तैयार करेगा। बट आपका एक परेशानी और डिफिकल्टी का स्टेज अभी चल रहा है, कुछ महीने चलेगा। चारों क्वेश्चन, सबसे पहले एज लिखो, एज अपनी उम्र 35, 40, 45 ऐसी उम्र लिखो और शेयर टैग आना चाहिए। वृषाली शेयर टैग लाने आओ और पूरा क्वेश्चन लिखो। हाँ शेयर टैग आ गया चारू, अभी एज लिख अपनी, सिटी और कंट्री। बिना शेयर आपको खुद ही दिखेगा, जब आपका शेयर टैग आएगा आप लोगों को खुद ही दिखाई देगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। वो तो देखना पड़ेगा ना आपका एस्ट्रोलॉजी करके, पर्सनल जो जो करता है उनको दिखाइए कितना महीना क्या है। ऐसे हम इधर में एक कार्ड में ऐसे हवा में तो नहीं बता सकती हूँ। तो नेक्स्ट आके आप नेक्स्ट रीडिंग देख लीजिए और बड़े रीडिंग में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इतनों में सो तो एक एक ही बात पता चलेगी ना आपको। बेबी कंसीव कब कर पाऊंगी? चलो चारू लेट्स सी, आप अपना बेबी कब कंसीव कब तक कर पाएंगी? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब 2023 के अंदर, बट बाशर्ता कि आप स्ट्रेस ना ले, ओवर थिंक ना करें, ओवर एंग्जाइटी में ना रहें। तो अपनी तरफ से अपना होमवर्क करो तो फिर ये पॉसिबल है 2023 में। ओके ओके नेक्स्ट। मेरा नंबर किस लिए चाहिए मेरी जान? सबसे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है वो आगे की बात है, बट उससे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि सबसे पहले अगर आप इंडिया से, आप दुनिया में कहीं हैं आप 200 स्टार्स ले सकते हैं, और अगर आप इंडिया से हैं तो आप स्कैन करके पहले एक 12 कार्ड की रीडिंग यहीं करिए, उसके बाद आप पर्सनल का सोचिए। मैं तो खुद आप लोगों को बोलूंगी पहले आप लाइव पे करिए, वो रीडिंग देखिए फिर, क्योंकि मेरे पर्सनल रीडिंग्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप पहले सिंपल वाला यहाँ कर लो और आपको वो जचे उसकी, क्योंकि रीडिंग में आपको भी होमवर्क होता है, आपको भी काम होता है, वो आप कर पाओ तो फिर आप मेरे लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करो, जिसमें पेमेंट के बाद 15 से 17 दिन का वेट है। ऐसा नहीं कि आज किया और कल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यू स्टार्ट विद 200, अगर FB पे हो तो 200 स्टार्स से आप ले सकते हो, या 500 स्टार्स अगर आपको स्टार्स देना है और मनी स्कैन नहीं करना है तो 500 स्टार्स में भी आपको इसका 5 उसको 10 कार्ड रीडिंग, बाद में ये स्टार्स के भी अमाउंट बढ़ने वाला है। 500 स्टार्स में आपको 8 से 9 कार्ड रीडिंग मिलेगी। हाउ विल बी माय 2023 बी? ज्योति नेक्स्ट टाइम अपना वो देना, एज ज्योति का 2023 कैसा जाएगा? आई सी हैप्पीनेस, आई सी जो चीज तू जिस पे ध्यान देगी ना वो तेरा होगा। हेल्थ पे ध्यान देगी हेल्थ होगा, मनी पे ध्यान देगी, तो तुझे इस टाइम ध्यान देना पड़ेगा और खुद का हेल्थ,
खुद का मनी तेरे को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। तो तू अगर खुद को प्रायोरिटी बनाती है तो तेरे को अच्छे चेंजेस दिखेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस दिखते हैं यार, धड़ाम धड़ाम चेंजेस नहीं दिखते। तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। किससे मिलेंगे स्टार्स? अभी मैं कैसे समझाऊं आपको, स्टार्स का वो दबाओ, वहां आप 200 स्टार्स चूज करके पेमेंट करो तो आपको एक 5 कार्ड रीडिंग मिलेगी। स्टार्स एफ भी देता है वो, मेरा उसका कुछ वो नहीं है, तो एफ भी गिव्स यू स्टार्स। या आप इंडिया से हो तो 555 वाला करिए और एक 12 कार्ड की रीडिंग यही ले लो। मैंने अभी यूट्यूब पे किया है 555 वाला, जाके चेक कीजिए कि कैसे हुआ 12 कार्ड, क्या हुआ, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिया, वो सब आप पूछ लीजिए। एफबी देगा, तुम स्टार्स दबाओगे ना तो एफबी ही तुम्हें देता है और कुछ पैसे काटता है और तुम आगे स्टार्स मुझे दे सकते हो। प्रॉब्लम हो जा रही है। अच्छा आयुषी, आई वुड एडवाइज कि तुम कहाँ से हो पहले मुझे बताओ, अपना सिटी कंट्री बताओ। इंडिया से हो, मैं पर्सनल रीडिंग आप लोगों को बोलती नहीं हूँ क्योंकि जिसको पर्सनल रीडिंग करना है ना वो ऑटोमेटिक मेरा नंबर ढूंढ लेता है और पर्सनल रीडिंग बुक करता है, आपकी मर्जी पर। मेरे पर्सनल रीडिंग इज एक्सपेंसिव, ठीक है? तो पहले आप ऑनलाइन ट्राई कीजिए, मैं तो सबको बोलूंगी, फिर आपको उसके बाद भी कुछ अपना क्वेश्चन सीरियस है। सी डिपेंड्स ऑन यू, आपको अपना लाइफ में क्वेश्चन कितना सीरियस है तो आप उस हिसाब से खर्चा करेंगे। अगर आप ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो एक बेसिक का होता है फेशियल, एक प्रीमियम होता है। तो अगर आपको चाहिए नहीं यार आई एम वर्थ इट, मुझे अच्छा लगना है, मेरा स्किन संभालना है, तो आप प्रीमियम वाला लेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे बेसिक वाला कर दो। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को अपने क्वेश्चन को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, है ना? खर्चा तो प्रीमियम चीजों के लिए ज्यादा खर्चा तो करना ही है। ओके नेक्स्ट गाइज विद अ शेयर टैग। करो ना, शेयर करना पड़ेगा। आई विल पिक अप अ फ्यू क्वेश्चन गाइस, जल्दी जल्दी करो, मैं 5-10 मिनट हूँ। अगर आपको शेयर करने का मूड नहीं है तो कल मिलते हैं। सी यू टाटा, बाय बाय। मैं ऑलरेडी 1.5-2 घंटे का लाइव यूट्यूब पे ख़त्म करके आई हूँ और आज इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। गुड ज्योति, बट दैट्स ग्रेट, बट मैं अभी किसी को मिलूंगी नहीं। मुंबई तो दुनिया में कोई भी आ जा सकता है बिकॉज मेरे सारे शेड्यूल्स आर पैक्ड फॉर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स। तो मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, सो मुंबई तो सबकी है, कोई भी आए कोई भी जाए। हेलो मैम, समथिंग लुधियाना, अप्रैल मंथ कैसा रहेगा? तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा नंदिनी का अप्रैल मंथ कैसा रहेगा? इस मंथ तुम्हें बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, या तो तुम बहुत सारी क्लियर बात करोगे या तुम्हें बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी सच्चाई मिलेगी। सो ये मंथ बहुत सारा क्लैरिफिकेशन में जाएगा, बहुत सारा ठक 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 बात सुनने करने में जाएगा। सो दिस इज द टाइम विच यू हैव टू, या तो तुम्हें बहुत स्पीकअप करना पड़ेगा, तुम्हें क्या चाहिए, क्या अपने लाइफ में करना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है टू स्पीकअप। सो दिस विल बी द टाइम यू विल बी स्पीकिंग आउट अ लॉट और तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिलेगी। ओके करुणा, कल मेरा बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। जल्दी जल्दी शेयर टैग लाओ और क्वेश्चन अपना ले लो। निधि मेरी जान, ऑल क्वेश्चन आर पिक्ड अप विद अ शेयर टैग, तो इट्स योर जॉब टू गेट अ शेयर टैग। जल्दी जल्दी लाओ और अपना एज लिखो, बर्थडे मत लिखो यार, एज उम्र लिखो, सिटी कंट्री लिखो।
वेरी बिजी यार, मेरे तो थिंग्स आर शेड्यूल मंथ्स इन एडवांस. ठीक है, सो जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी जल्दी शेयर टैग लाओ दिल्ली द्वारका. ठीक है, अभी तुम्हारा शेयर टैग आना चाहिए और क्वेश्चन भी लिख तेरा क्या है. देख सुप्रीत का आ गया, नवजोत कौर के लिए शादी का रिश्ता कब तक आएगा और हस्बैंड कैसा होगा. सुप्रीत ओनली वन क्वेश्चन, दूसरा आप या तो पेड रीडिंग ले लो या नेक्स्ट लाइफ पे आ जाओ. सो नवजोत कौर के लिए शादी का रिश्ता कब तक आएगा. वेट, आज जल्दी जल्दी इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं आएगा, कुछ महीने जा सकते हैं, शायद साल डेढ़ साल भी जा सकता है. सेक्ट कृष्णा तेरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, सुप्रीत का हो गया है, निधि अबाउट माय लाइफ, सो यू नीड अ जनरल रीडिंग, अंडरस्टूड, बट यू हैव टू गेट अ शेयर अटैक. शेयर करते जाओ, कभी कभी तीन ग्रुप पांच ग्रुप से होता है, कभी सात ग्रुप कभी दस ग्रुप, डिपेंड्स ऑन तुम्हारा क्या सिस्टम चल रहा है एफबी के साथ, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. ठीक है, करुणा का शेयर अटैक आ गया है, ये साल कैसा रहेगा रायपुर छत्तीसगढ़. करुणा का ये साल बर्थडे ईयर कैसा रहेगा. करुणा तुम्हारा ये साल ना खटपट में जाने वाला है. ठीक है, तो ये खटपट है कि जो तुम करना चाहती हो अभी तुम उसके बारे में बोलोगी मुझे ये करना है. तो जब भी आदमी कुछ नया करना चाहता है ना तो इट विल बी एडवेंचरस, तुम कुछ नया करने की कोशिश करोगी, उसमें डिफिकल्टीज भी आते हैं, लोग मना भी करते हैं, लोग अड़चने भी पैदा करते हैं. तो कुछ नया करना चाहती हो, शायद तुम बिजनेस में घर में पैशन तुम्हारा कुछ नया है, पर थोड़ा खटपट होगा, ऐसा नहीं कि तुमने बोला और वो चीज़ होगी. इट इज़ गोइंग टू बी एडवेंचर, अच्छी तरह से बोलूँ सिंपल सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो एडवेंचर होगा. और आप अपने लिए एक अपना लकी कलर ले लो येलो, तो आप सबको पता है कि लकी कलर से क्या करना है. जो नया है और उसको नहीं पता है तो मुझे पूछ सकता है. और गाइज अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सॉरी क्या है दूसरा यूट्यूब, सेम नेम आओ बातें करें, ताकि उस लाइव पे आके आप और एक क्वेश्चन पूछ सके और आप ही का चांसेस बढ़ जाए. वेडनेसडे में लाइव नहीं आऊंगी यहाँ और सैटरडे संडे में नहीं होंगी इधर. ठीक है, दिस वीक नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बदल सकता है. संडे तो मैं कहीं भी नहीं लाइव जाती, कल गई थी जस्ट फॉर वन सेकेंड, तो इतनी भीड़ आई कि मेरे को पौना एक घंटा लग गया कि लोग आते गए इंस्टा पे थी कल में. बट वो भी मैं सैटरडे को करूंगी, बिकॉज संडे आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट अ क्लिप, तो मेरा पूरा लाइव ही हो गया. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव संडेज फ्री फॉर माई सेल्फ टू जस्ट यू नो चिल, ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ फॉर द नेक्स्ट सिक्स डेज. संडे को मैं क्लाइंट भी नहीं कोई लेती हूँ, बाकी मंडे टू सैटरडे ही बुक करती हूँ. थैंक यू, वेलकम मेरी जान. येलो कलर का क्या करना है, येलो कलर का अपनी कोई साड़ी स्कार्फ दुपट्टा अपने तकिए के नीचे रखना है और सोना है. तुम दो चार दिन रख लो और कल अगर लाइव पे आती हो मुझसे नया कलर ले लो. टिल यू टेक द न्यू कलर फ्रॉम मी तब तक वो तुम्हारा कलर होता है लाइफ के लिए. मैंने एसी क्यों लगा, ठंड लग रही है अभी. वो भी हो गया ये भी हो गया. हाँ, ऑल्सो गाइज अगर आप मेरे YouTube पे नए हो, अगर अभी जाके ज्वाइन होते हो या इफ यू आर न्यू, तो लास्ट कुछ दिन से देर इज म्यूजिकल लाइव्स मेरे YouTube पे होते हैं, चार पाँच घंटे का होता है. उसमें आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए. जितने लोग कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे उनमें से मैं कुछ चुन के
विनर्स डिक्लेयर करती हूँ। विनर्स से मिलता क्या है, नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसे 1-to-1 लाइव पे हूँ तब आप क्लेम कर सकते हैं अपना गिफ्ट और आपको 3 कार्ड रीडिंग मिलेगी, बाकी लोगों को 1 कार्ड मिलती है। तो अगर आप पूछे वो मेरे बारे में क्या सोचता है, 1 कार्ड इज दिस, जबकि 3 कार्ड में हमें और बहुत सारी चीजें पता चलती है। सो देर इज अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 1 कार्ड एंड 3 कार्ड। तो ये आप YouTube ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज नाउ इस वक्त ओनली ऑन माई YouTube, उसमें ज्वाइन कीजिए। उसके जो म्यूजिक लाइव होता है एवरी डे मॉर्निंग में होगा 3-4 घंटे के लिए, उसको ज्वाइन कीजिए और कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कंप्लीट 1.5 घंटे में, आधे घंटे में जब भी मैं चेक करूंगी, आई जस्ट सिलेक्ट अ फ्यू फॉर द विनर्स। ओके नेक्स्ट, मनदीप कौर बेबी कब तक कंसीव होगा? सोनी सबसे पहले तुम अपना एज, सिटी, कंट्री तीनों लिखो। कंप्लीट क्वेश्चन तो तेरा शेयर टैग आ गया है। क्योंकि जितना अधूरा क्वेश्चन तुम लोगों की रीडिंग पूरी नहीं मिलेगी। सोनी राठौर मैं तो ले रही हूं, मुझे क्या, बेबी कब तक कंसीव होगा? नॉट द राइट टाइम, अभी इस वक्त इस महीने नहीं होगा स्ट्रेस, क्योंकि तुमने शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, बहुत ओवरथिंक किया हुआ है। तो यू हैव टू चेंज योर वाइब्स, आपको अपना वाइब, अपना सोचने का ढंग, जो उसको प्लेटफॉर्म चाहिए वो आपको बदलना पड़ेगा। इतना ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो कंसीव करना मुश्किल है और फिर पूरी प्रेगनेंसी हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आप एंग्जाइटी बंद कीजिए एंड स्टार्ट रिलैक्सिंग, थोड़ा चिल करना पड़ेगा। हेलो मैम, 44 अप्रैल मंथ गाइडेंस, एक मिनट। चारू ये तेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है? मैं चारू दे चुकी हूँ, आई थिंक शी इज अ डिफरेंट चारू, चारू चारू है वो शायद, ये चारू सचदेव है, आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट चारू। कल्पना शेयर करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम सोनी अपना ये नहीं देना, बर्थडे नहीं चाहिए मुझे, मैं इस वक्त एस्ट्रो नहीं करी। उम्र लिखिए 35, 40, 100, जो भी उम्र है उम्र लिखो। फर्स्ट, अच्छा दो चारू है मतलब मेरे यहाँ मंथ, अप्रैल मंथ की गाइडेंस। चलो चारू के लिए क्या हो रहा है, अप्रैल में ना कुछ तो भी तेरा एक बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये किसी रिश्तेदार, टॉक्सिक रिश्तेदार हो सकता है, कोई घर का सिचुएशन, कोई जॉब, कोई मनी, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो तू सोच कि तेरे को जान खा गया है वो सिचुएशन, वो तेरा बहुत जल्दी एंड हो जाएगा अप्रैल में। वो अभी तुम जानो कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। गाइस स्टार्ट शेयरिंग, नहीं तो आई एम गोइंग, आप ही का चांस नहीं मिलेगा फॉर योर क्वेश्चंस, अगर आप आए भी हैं तो। तो यू आर लेफ्ट एंड चारू तेरे लिए लकी कलर ले ले, सॉरी ऑरेंज, ठीक है? रिवाइंड करके देखो मैंने क्या करना लकी कलर के साथ। चलो सो सी यू गाइज एंड टुमोरो, मैं पहले आई एम नॉट श्योर, मैं शायद 1 बजे लाइव जाऊंगी यूट्यूब पे और 2:30-3 बजे आई विल कम ऑन FB। आप लोगों को सुबह बता दिया जाएगा, जैसे मेरा सिस्टम है, जैसे मेरे पर्सनल क्लाइंट्स है, जैसे मेरे बाकी लाइफ में सिचुएशन है, उस हिसाब से आई विल लेट यू नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके सो सी यू ऑल, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।